अच्छा राशिद कहाँ हो तुम? सर मोन मार्केट में। अच्छा ओके, 10 मिनट के अंदर तुम सिटी टावर पहुंच जाओ। ओके सर, मूव। आमिर तुम कहाँ हो? सर शाहदरे में। सिटी टावर देखा है? जी सर। तुम्हारे साथ और कौन कौन है? जिशान और नौमान सर। ओके ओके हरी अप। ओके सर। ये सिटी टावर कंफर्म है, कोई शक तो नहीं? आगे से राइड ले लेना ताकि रश से बच जाए। Come on, pick up the phone. Thank you.
विनीश, विनीश की बच्ची, ये तो ही है, कहां से टपक पड़ी एकदम? ये क्या भूत की तरह तो आ गई, तूने तो मुझे डराए दिया यार। वैसे आ रही कहां से? पिंडी से? फिर तो तू थकी भी होगी, कैसे पहुंची यहां तक? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बस ढूंढ लिया। चक्कर क्या है, कहीं भाग के तो नहीं आई घर से? चक्कर बहुत लंबा है, कुछ खिलाएगी पिलाएगी तो बताऊंगी ना। ओफो, मैं भी बहुत बेवकूफ हूँ। फ्राई खाएगी क्या ऑमलेट? इंसानों वाला खाना खिलाओ, तेरी सुबह होगी मेरे लिए दोपहर है। खाला भी अभी तक नहीं आई, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जल्दी तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। काफी खूबसूरत घर मिला है। किराए का है। हेल्प कर दूं तेरी? टेंशन ना ले, कल से तू ही करेगी, आज तो मेरी मेहमान है। टोस्ट खाएगी या पराठे? पराठे वैसे कल के हैं। पराठे तो पराठे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तू यहाँ पहुंची कैसे? वैसे कितने साल हो गए हमें? पता नहीं यार, काफी अरसा हो गया। कॉलेज के भी अजीब ही दिन थे, फजूल हरकतें करके भी हम लोग कितने खुश रहते थे। एग्जाम के टेंशन से बढ़कर कोई टेंशन ही नहीं होती थी। सोचते थे कि पढ़ाई और कॉलेज से छुटकारा मिल जाएगा तो आजाद हो जाएंगे। और जब आजाद हुए तो पता चला वही जिंदगी अच्छी थी। सही बात। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि भूख ज्यादा और खाना कम, ये सब तो मेरा हो गया, तू अपने लिए बना ले। थैंक्स फॉर कमिंग यार। कहीं जा रही हो क्या? थकावट उतर गई तुम्हारी? मैं कौन सा पिंडी से पैदल आई थी। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं यार, मूड नहीं अभी। अच्छा ये बताओ, कैसे प्लान बना इतनी दूर आने का? प्लान अभी बनाना है। क्या मतलब? साल पहले अम्मी की डेथ हो गई, जो थोड़ी बहुत इनकम थी वो भी खत्म हो गई। अबू, क्या कहूं उनके बारे में, वो तो बस नाम के हैं। साइमा दिन रात रोती रहती थी, स्कूल भी जाना छोड़ दिया था उसने। मामू ने कुछ अरसा हेल्प की मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी हाथ पीछे कर लिया। होंगी उनकी भी कुछ मजबूरियां। एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली, पर वही मसला, जवान लड़की को देखकर लोगों की जुबानें बाहर आ जाती हैं। छोड़नी पड़ी वो नौकरी भी। अब वो कब घर आते कब जाते कुछ पता नहीं। एक वक्त का खाना मिल भी जाए तो दूसरे वक्त की खबर नहीं। I'm sorry यार। सब चलता है। और साइमा? एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवाया है, एक महीने के अंदर अंदर एडवांस फीस देनी है वरना। कितने पैसे? 1.5 लाख रुपया, 1 साल का एडवांस। सॉरी यार, तुझे भी डिस्टर्ब किया। बकवास मत करो। ओके। आके डिटेल में बात करते हैं। जा कर रही हो?
गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई तुम्हारी? तुम्हें तो जल्दी उठने की आदत है ना? जल्दी नहीं, नॉर्मल। तुम्हारी आंख तो दूध वाले की बेल पर भी नहीं खुलती। ज्यादा थकी हुई थी क्या? बस यार, रूटीन है। कितने मिल जाते हैं एक रात के? क्या करोगी ये जानकर? मुझे भी पैसे कमाने हैं। मतलब? बता चुकी हूँ सब कुछ, टाइम नहीं है मेरे पास। तुम अकेली काम करती हो या किसी के साथ? मैडम। मैडम? जी मैडम। नंबर तो मिला वो जरा 315 वाले का, देख कहीं मरवर तो नहीं गया। इतना फारिग वक्त नहीं है मेरे पास। जी मैडम। मैडम वो उठा नहीं रहा, लगता है वॉशरूम में है। तो नजूम है क्या? हाँ, तुझे क्या पता वो वॉशरूम में है कि नहीं? अच्छा ये बता, क्या कर रहा होगा वो वॉशरूम में? जी नाम क्या है तेरा? इलियास। बिल्कुल सूट नहीं करता। खैर अब तो हो गया। अच्छा एक बात बता, गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। काम कैसे चलता है तेरा? अच्छा दफा कर, ये कार्ड है मेरा, ट्राई करना कभी, अच्छा ना लगे तो पैसे वापस। वैसे भी टाइम नहीं मेरे पास। आओ भाई चल के उस कमबख्त को देखे। ले लो भाई, क्या लेजी हो तुम। चलो कर्नल साहब। हेलो, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। बड़े गर्म हाथ है आपके। बैठिए। भाई हमने तो सुना है कि गर्म हाथ वाले बड़े वफादार होते हैं। खैर मुहावरे सारे कौन से सही होते हैं। और सुनाएं क्या नई ताजी है? सुल्तान की पार्टी के बाद तो मुलाकात ही नहीं हुई हमारी। वैसे वीडियो है मेरे पास। By God, क्या नाचे थे आप उस बेबी डॉल वाले गाने पर, याद है आपको? देखेंगे? नहीं नहीं रहने दें, फिर कभी देखेंगे। वैसे आपने तारफ नहीं करवाया इनका? तारफ के लिए बहुत टाइम पड़ा है कर्नल साहब, करवाती रहेगी अपना तारफ डिटेल में। ये बताइए कि गुलबर्ग वाला प्लॉट आप हमें कब दिलवा रहे हैं? आप ही कहे, सीडीए की परमिशन रह गई है, चंद हफ्तों में क्लियर हो जाएगी। वैसे क्या बनाने का इरादा है वहाँ? अजी कर्नल साहब, जो कुछ भी बनेगा आपकी खिदमत के लिए होगा ना, आखिर मिलजुल कर ही काम चलेगा ना। अकेले अकेले तो कम से कम हम कुछ भी नहीं। अच्छा कर्नल साहब, आपसे मिलने की ख्वाहिश तो मेरी पूरी हो गई, और आपकी ख्वाहिश के लिए मैं इसे छोड़े जा रही हूँ। टेक केयर। आप यहीं रुकेंगे या चलेंगे मेरे साथ? सॉरी मैडम, सॉरी। फॉलो मी। फोन दो। जी
है सचो साहब, कहाँ गायब हैं आजकल? नजर ही नहीं आ रहे, कपड़े पहन रखे हैं क्या? पहनने पड़ते जी, क्या करें, सोसाइटी है वरना हम तो नंगे पैदा हो गए थे। हाँ ठीक है, आपने हमारा काम ही यही है आप लोगों की खिदमत करना, और हमारा क्या काम है? हाँ जी ठीक है आपने। अच्छा अच्छा, तुम्हें मैंने रोटी लाने को कहा था, ये तुम क्या मुसीबत लेकर आ गए, दफा हो जाओ। जी जी आपको नहीं कह रहा हूँ, जी जी बिल्कुल आप बताएं। अच्छा मैंने तुम्हें रजिस्टर लाने को कहा था, गेट आउट। जी जी आप बताएं। अशरफ वर्ल्ड। जी जी बाप काम ने क्या करना है, नाम ही काफी है। अच्छा एड्रेस जरा बताएं। हाँ वो हमारा ही काम है, मैं तो कहता हूँ पाताल से भी ढूंढ के निकाल दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं काम कर दूंगा। ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज। इधर आओ, तुम भी इधर आओ। जब अल्लाह अकल बांट रहा था तो तुम लोग चर्च भी नहीं गए थे? अरे अरे जिसको कोई काम नहीं आता वो आके पुलिस में भर्ती हो जाता है, पागलों की फौज यहाँ पे मैंने इकट्ठी की है, बल्कि सबसे बड़ा पागल तो मैं खुद हूं जो तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर मेरे बस में होता तो तुम्हें एक दिन की बजाय एक मिनट में फारिग कर देता। और इस अफसर को देखो, दिल करता है तुम्हें तो गोली मार दूं। इसको रोटी लाने को कहा था, ये हेलमेट लेके आ गया, पकड़ो इसको, आज मैं इसकी सही मुरम्मत करता हूं। कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। तुम ये बुक बंद करोगी प्लीज? हाँ। मैडम से मिलना चाहती हूँ। ये बेवकूफी मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, तुम नहीं समझ सकती। है मुझे समझ, बहुत धक्के खा लिए, बेहतर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, किसी चीज की कमी ना हो। तो रहो ना, ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक मर्जी रहो जो मर्जी करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं करूंगी तुम्हारी मदद जिस हद तक भी होगी। मैं खुद के पैसे कमाना चाहती हूँ, थोड़े पैसों से मेरा काम नहीं होगा। तो कोई जॉब कर लो, तुम्हें तो कहीं पे भी इजीली जॉब मिल जाएगी। मैं बात करूंगी किसी से। खुद क्यों नहीं कर लेती तुम नौकरी ये काम छोड़कर? मेरी बात और है। क्या और है? यार मैं फंस चुकी हूँ मुकम्मल तौर पे इस काम में। मजा आने लगा है ना? तुम इसे मजा समझती हो ना? जब दिन में 3-3 बार इन जानवरों के नीचे लेटोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा ये काम है क्या। 2 टके की हैसियत नहीं होती तुम्हारी, चंद घंटे मजे के और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। तुम कुछ कर भी नहीं सकोगी, कुछ सोच भी नहीं सकोगी, सिर्फ बर्दाश्त और बर्दाश्त। चंद कागज के टुकड़ों की खातिर अपनी इज्जत, अपना सब कुछ बर्बाद कराओगी। नहीं समझोगी तुम, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। फिर भी कर रही हो ना? कागज के चंद टुकड़े नहीं, जिंदगी बना सकते हैं इंसान की, खरीद सकती हो तुम हर चीज, खुशियां भी। साइमा की खुशियों से ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वो पढ़ ले, कुछ बन जाए, मेरी तरह धक्के ना खाने पड़े उसे, बस यही सब कुछ है। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता और ना मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे मैडम से मिलवाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मेरे जीते जी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझ आई तुम्हें? मैं फैसला करके आई थी, मैं वापिस नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। तुम मुझे दोस्त मानती हो ना? दोस्त से भी बढ़कर। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, ये काम बहुत गंदा है, बहुत जलील हो जाओगी अपनी नजरों में,
गालियां सुननी पड़ेंगी, थप्पड़ खाने पड़ेंगे, जबरदस्ती शराब पीनी पड़ेगी, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। नहीं कर सकती तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम ये काम करो। मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ तुम ऐसे ही रहो, मेरी सबसे प्यारी दोस्त। बबली, बबली, नाम क्या बताया तुमने? जी, बबली। बबली, जानती तो हो ना कि ये काम है क्या? कल को ये ना कहना कि उज्मा ने मुझे इस काम में धकेल दिया। अपनी ही जिम्मेदारी पे आ रही हो। जी, मैं जानती हूँ। किसी आशिक ने भगा के छोड़ दिया या बाप ने घर से निकाल दिया? यही समझ ले। ठीक है, रात को 9 बजे आ जाना, मैडम से मिलवा दूंगी मैं। यहीं रह लूं रात तक? ठीक है, कुछ खाना पीना हो तो बता देना। और शेख साहब, कब वापसी हुई हो? कैसे पहले से भी ज्यादा यंग नजर आ रहे हैं। बस मैडम, क्या बताएं, आप ही की सोहबत का असर है। ओह, सो नाइस ऑफ यू। आइए मैडम, आइए। मैं भी कह रहा था कि आपके बगैर पार्टी का मजा नहीं आ रहा। ओह, थैंक यू राजा साहब। यही एक चीज तो हम दोनों में कॉमन है, मजा लेने वाली आदत। और सुनाइए, आपकी वो गारमेंट्स की कंपनी कैसी चल रही है? कोई खास नहीं, आजकल लोग कपड़े पहनने से ज्यादा उतारने में दिलचस्पी लेते हैं। तो आप ऐसा करें, अपनी फील्ड छोड़ दीजिए और हमारी फील्ड में आ जाइए। कपड़े भी कम और टेंशन भी कम। I'll kiss you. हेलो जावेद साहब, कैसी लग रही है आपको पार्टी? एंजॉय कर रहे हैं ना? अरे ये बताइए, कोई नई मछली आई है जाल में? एक सेकंड जावेद साहब, पहले तो आप अपना ये जाल वाला लफ्ज़ वापस लीजिए। यूं कहिए कि मेरे परिस्थान में कोई परी आई है। आपकी वजह से हमने परिस्थान की सैर किया, वरना ये दुनिया तो बहुत बोरिंग है। नॉटी बॉय। लो, अब आई है जरा। हाँ, ये है बबली। एनीवे, लेट्स गो। यार बात सुनो, न्यू एंट्री लाई हूँ तेरे लिए। न्यू एंट्री? देखभाल कर लिए ना? कोई ड्रामा तो नहीं है ना? नहीं यार, भागी टाइप लग रही है। भिजवा दे नकल, देख लूंगी। चलो। Yes. Woo. Let's enjoy the party. Yes. Yes. Woo. Yes.
मीना, आशा, अंबर, रुखसार, रूबी, परवीन। आप लोग दोस्त हैं हम। और बेगम नवाजिश, वो भी दोस्त। ओफो, कह दिया ना कर दूंगी तुम्हारा काम। अब बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ नको बाबा, कह दिया ना। चलो बस ठीक है, ओके। क्या नाम है तुम्हारा? बबली। उज्मा तक कैसे पहुंची? बिनिश ने बताया था। ओ, जानती हो उसे तुम? जी, दोस्त है। चाय वगैरह कोई बनाएगा? पहले कभी किया है? जी, क्या धंधा और क्या? जी शर्म का तो ये काम ही नहीं है ना मेरी जान। जी एक आध पर अरे भाई, आधे वाला तरीका जरा हमें भी समझाओ ना, वो कैसे होता है? चलो कपड़े उतारो। मैंने कहा कपड़े उतारो। जी वो ऐसा करो, सुकून से चाय वाय पियो और घर चली जाओ। जब माइंड मेकअप कर लो ना, तब मेरे पास आना, समझी? मैडम मेरा घर नहीं है। कर सकोगे ये सब? मैं सोच कर आई। अच्छा चलो इधर आओ, बैठो मेरे पास। देखो हम में से यहां किसी की भी जिंदगी अच्छी नहीं है। पैसे के लिए तुम भी यहां पहुंची हो और पैसे के लिए हम भी काम करते हैं। इन सब लड़कियों के लिए मैं यहां एक बहन की तरह हूं। हमारे दरमियान कोई बात छुपी हुई नहीं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते हैं यहां सब। और सच बोलने वाला तो यहां सारी जिंदगी रह सकता है, मगर झूठ बोलने वाला एक दिन भी नहीं। बाकी खाना पीना रहना यहां फ्री है, जितने पैसे मिले आधे तुम्हारे आधे मेरे, और पुलिस से बचाना मेरा काम है। इसके अलावा किसी चीज की गारंटी नहीं है। फिर भी तुम एक दफा अच्छी तरह सोच लो। यहां से वापसी बहुत मुश्किल है। मैं यहां रहूंगी। Thank you.
सारे ख्वाब है, रूठी सारी मंजिलें, जनाब है कहाँ, बता दे कोई तो मुझे। पहुंच के मुझे फोन कर देना। आ जाओ। क्या पियोगी? कुछ नहीं। इस नाम की तो कोई चीज मेरे पास नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक है। सिर्फ ठीक? सुना है आजकल बड़ा स्कोर कर रही हो, खुश हो? शायद, पता नहीं। मकसद पूरा हो गया तुम्हारा? I mean, जो तुम करना चाहती थी वो? शुरू तो हुई हूँ। लड़का कौन था पूछोगी नहीं?
पूछ सकती हूँ मैं? तुम अब भी मेरे लिए वही हो जो पहले थी। हमारे दरमियान कुछ नहीं बदला। थैंक्स यार। अरे वाह भाई, फिल्म देखी जा रही है। जय, प्राउड ऑफ यू। सल्लू भाई, मुझे तो सल्लू बिल्कुल नहीं पसंद। रुखसार, तुझे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं यार। कुछ नहीं की बच्ची, बता क्या बात है? बस वैसे ही यार। मिन्नतें करूं तेरी? पैसे चाहिए यार इसको, और पैसे ये मांग नहीं सकती। मैडम से बात की तूने? नहीं, अभी तक तो नहीं की। पैसे क्यों चाहिए? घर में कोई प्रॉब्लम है? हाँ यार, अब्बू की सर्जरी है। डॉक्टर ने बोला है कि कम से कम 1,00,000 रुपया लगेगा। मैं बात करूं मैडम से? मानेगी क्या वो? बात करने में क्या है? बैंक खोल रखे हैं मैंने यहाँ पे। या जायदादें छोड़कर गया था मेरा बाप मेरे लिए? जो पैसे तुम लोग कमा के देती हो ना मुझे, वो सारे तो पुलिस ऑफिसरों के पेट में चले जाते हैं, और बचे कुचे फ्लैट के किराए और बिलों में। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? अगर अब्बू को कुछ हो गया तो? चल भाई, कॉपी खोल इसकी, दिखा जरा क्या हिसाब है। जी। ₹40,000 बनते हैं अब भी इसकी तरफ, 20 दिन पहले के। मेरे हिस्से में से अगर आप इसे दे दें तो? अच्छा, यारी हो गई है ज्यादा आपकी? हाँ, दे भाई, दे दे पैसे इसको। जी मैडम। वैसे ही टेंशन क्रिएट कर रही है। तेरी मेहरबानी यार, भाई नहीं है मेरा, आखिरी मरतबा मिला दे प्लीज, पकड़ इसे। जी जी, आप ही को फोन किया जी। आपका ना कार्ड है मेरे पास, उसी पे नंबर लिखा हुआ आपका। वाह, ये तो बड़ा मुश्किल काम किया तूने। और तू मूड बता। वो ना लड़की मिलेगी? भाई लड़का भी मिल जाएगा, तू मूड बता दे। वो कितने का हो जाएगा? मेरा मतलब कितने की हो जाएगी? और जितनी तुम्हारी औकात है उतने की हो जाएगी। कैसी होगी? और जैसी तू चाहे, गोरी, काली, मोटी, पतली, छोटी या सफेद। थोड़ी जोश वाली हो ना, मजा आ जाए ना। घंटे के लिए चाहिए या रात के लिए? घंटे के लिए या रात के लिए? घंटे के लिए। नहीं नहीं, घंटे के लिए बहुत होता है, घंटा बहुत होता है। टोटल 10,000। आना जाना लड़की पे, जगह तेरे पे, टाइम और जगह बता दे। सारे पैसे एडवांस। जी जी, सारे पैसे एडवांस। एडवांस आराम से। जी आराम से करेंगे जी। ओ यार, यस यस। ओए, जगह तूने बता दी? ओ शिट, सबर कर। फिर क्यों फोन किया? वो जी, जगह बतानी थी आपको। वही तो। जी, पार्क व्यू होटल चांदनी चौक। पता है। टाइम बोल। हाँ जी, 10 बजे। पैसे कैश रखिएगा, ये चेक कार्ड हमारी समझ में नहीं आता। जी जी, कैश, बिल्कुल कैश। फोन ऑन रखना। हाँ जी।
ये पहली मर्तबा वाले भी बहुत तंग करते हैं। कतरीना जी, 012 की चाबी दीजिए। जी मैडम, ये लीजिए। अरे ये कौन सी चाबी दे दी, मैंने 012 की चाबी मांगी थी। सॉरी मैडम। ये लीजिए। सॉरी मैडम, सॉरी का बच्चा। बात सुन, तेरा टाइम पूरा हो रहा है। क्या मतलब? 10 बज गए। ठीक है, अगर मैनेजर पूछे तो उसे कह देना कि रूम नंबर 304 का एसी खराब है। क्या खराब है? अरे भाई कह देना एसी खराब है ना। ठीक है ठीक है। अरे ठीक नहीं, खराब है। हाँ हाँ, काम तेरा है पागल, मुझे किया हुआ है। मोबाइल ऑन है ना? ऑन है, ऑन है। साइलेंट तो नहीं है? लाउड है। वन की चाबी दो। दरवाजा खुला ही रहेगा? जी जी बंद करता हूं। मैं क्या करूं? पेमेंट कर दे इनको। बजे आऊंगा, फोन खुला रखिएगा। नाम क्या है आपका? नाम जान के क्या करोगे, नाम हमारे फेक होते हैं। सिगरेट पीते हैं आप? नहीं। तो फिर रहने दो। आप उतारेंगे या मैं? आप। मतलब क्या कर रही हो? छोड़ो।
हेलो यार, ये कौन है? कौन कौन है मतलब? यार हथकड़ी लेकर आई है अपने साथ। तो पेट के साथ बांध रही थी मुझे। अबे यार स्टाइल है यार, क्या कर रहे हो तुम? यार तू दलाल को फोन कर और पूछ उसे। क्या पूछूं? तू मिलाना फोन उसे। अच्छा हेलो, कौन? पार्क व्यू होटल से बात कर रहा हूँ। ओ यार वो लड़की तो अपने साथ हथकड़ी लेके आई है। तो मतलब कि दोस्त ने मुझे बोला ना कि आपको कॉल करने के लिए, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। ओ यार फिल्में नहीं देखते आप लोग? ओ खुद ही कह रहे थे कि जोश वाली चाहिए। जी वो तो ठीक है। वो तो कह दो उसको, नहीं पहनाएगी। जी जी ठीक है। हेलो यार मेरी बात सुन, उसको बोल दे तुझे नहीं पहनाएगी, ठीक है? हाँ हेलो यार, एंटर है उसके पास। एंटर चाबक चाबक। फिर यार तो दलाल को फोन मिला और उसे कहे इसे ले जा यहां से। अच्छा तू फोन बंद कर। ओए अब क्या हुआ भाई, उसके पास हंटर भी है। ओ क्या करूं, आ जाऊं ले जाऊं? वही जी। ओ ठीक है। हेलो यार क्या हुआ भाई? तू टेंशन ना ले, वो आ रहा है उसको लेने। हाँ हाँ उसे कह आ जा और ले जा इसे, यार बहुत खतरनाक लड़की है। सच में तुमने बहुत बुरा किया उस लड़के के साथ। किया नहीं बस हो गया। आइंदा नाम नहीं लेगा वो। क्यों हंस के मर रही हो सब लोग? हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, वो कल इस हंटर वाली ने बड़ा सीन क्रिएट किया। वो शाम को पार्टी है, 8 बजे तक तैयार रहना। जी ये दिल मेरा बेचैन है।
सुल्तान, नाम से तो अमीर लगता है। फार्म हाउस पे बुलाया है परसों। तू मैडम से छुप के जाएगी? डबल पैसा मिलेगा। मैडम को पता चला तो छोड़ेगी नहीं तुझे। जानती हूँ। मेरी मान तो दफा कर इसे। पता है मैडम आगे कितने पैसों में बेचती है हमें? क्या मतलब? जरूरी तो नहीं कि हर दफा आगे से 20,000 ही लेती हो। मैडम ऐसा नहीं कर सकती। वो सब कुछ कर सकती है। तो तू जाएगी वहां? सोच लो। और सुनाओ क्या चल रहा है? वही पार्टियां, लड़कियां, शराब शबाब। और क्या, कोई तरक्की है भी या नहीं? अरे तू कुछ हिले जुलेगी तो तरक्की होगी ना। तुझे तो बाल काटने से फुर्सत नहीं है। भाई मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं लड़कियां ला यार, पिछली लड़कियों से तो ग्राहक तंग आ चुके हैं। कोई नई लड़कियां होनी चाहिए। दी तो थी तुझे एक लड़की, कैसी है वो? हाँ अच्छी है लेकिन तेज है बहुत। हाँ बबली बोलो। वो मैडम मेरी सहेली की बर्थडे है, मुझे वहां जाना है। जी हेलो, मैं 15 मिनट तक पहुंच जाऊंगी। ओके गई सवारी। टाइम की बड़ी पक्की है ना? आजा आजा।
क्या समझ रही थी? बेवकूफ हूं मैं, नजर नहीं आएगा मुझे? 10 साल से कर रही हूं ये काम मैं, तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हूं। अरे जिसकी इज्जत ही ना रही हो उसको किसी की क्या परवाह? क्या सोच कर आई थी कि एक ही रात में मालदार हो जाओगी, जायदादें मिल जाएंगी तुम्हें? दो टके की रंडी हो तुम, दो टके की। अरे लोगों को तो तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं रहती होगी, आज एक के नीचे तो कल किसी और के नीचे। और चलिए हम मुझसे मुकाबला करने, नवाजिश बेगम से मुकाबला करने, मैं उस वक्त तक सीधी हूं जब तक दूसरा मेरे साथ सीधा है। बता दिया था ना तुम्हें कि सच बोलने वाला मेरे साथ सारी जिंदगी रह सकता है और झूठ बोलने वाला एक दिन भी नहीं। सुल्तान तुम ही समझाओ इसको, मेरा तो इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा। नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहां, मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, सोचा था कि नहीं आओगी तुम मेरी ऑफर पर, मगर चलो जो हुआ सो हुआ। मैडम बहुत गुस्से में है, घर जाएगी आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। फिलहाल तुम वापस जाओ और अपने आप को नॉर्मल करो। 10 साल से कर रही हूँ ये काम मैं, तुम लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ कि एक ही रात में मालदार हो जाओगी, जायदादें मिल जाएंगी तुम्हें। दो टके की रंडी हो तुम, दो टके की। आज एक के नीचे तो कल किसी और के नीचे। और चलिए हम मुझसे मुकाबला करने, मैं उस वक्त तक सीधी हूँ जब तक दूसरा मेरे साथ सीधा है। बता दिया था ना तुम्हें कि सच बोलने वाला मेरे साथ सारी जिंदगी रह सकता है और झूठ बोलने वाला एक दिन भी नहीं। गलत हो गया, बहुत गलत, बैठे बिठाए ड्रामा बन गया। कह रही थी तुम्हें कि मत जाओ मत जाओ, अब होगा क्या? निकालना होता ना तो उसी वक्त कह देती तुम्हें। तुम्हें भी पता चल गया मैडम का, इतनी अच्छी नहीं है वो, निकालना नहीं चाहेगी तुम्हें। अच्छा बिजनेस ला रही हो तुम उसके लिए, लेकिन फिर भी जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। धोखा दिया मैडम और उसके आदमी ने मिलकर, बहुत बड़ा धोखा दिया। धोखा तो तुमने भी दिया मैडम को वहां जाके। यार मैं पैसे कमाने गई थी ना लालच में आके, शॉर्टकट से पैसा कमाना ना सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ना जान मारनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आजकल के वक्त में 10,000 क्या 10 रुपए भी बगैर किसी वजह के नहीं देता। और तुम चली गई सुल्तान के घर उसकी बकवास बातों में आके। मैं क्या करूं? मेरा नहीं ख्याल कि मैडम तुमसे इस बारे में मजीद और कोई बात करेंगी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। फोन आया था किसी का? जी SHO साहब का फोन आया था। कह रहा था नए DSP साहब आए हुए हैं, तो शायद आपको मिल लेना चाहिए जाकर। मैं जाऊं तो तुम किस्मत की दवा हो। जी मैं चला जाता हूँ। वैसे जाकर करना भी क्या है, रेट तो फिक्स है हर थाने का, जाकर थोपड़ा दिखा दें बस। और हाँ मिठाई विठाई साथ दे जाएं, वो भी खुश और हम भी खुश। जैसा आप कहें। वो बबली जो है यहीं पर? जी मैडम 2 घंटे पहले आई है। ठीक है। ओहो इसको तो मैं भूल ही गई थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम।
बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। क्यों, मेरी बुराई हो रही थी क्या? अरे नहीं बाबा, बुराई क्यों करूंगी तुम्हारी, तुम तो मेरे चहेते हो। अच्छा, इसका मतलब कोई नई आइटम मिल जाएगी हमें? क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी, बल्कि जैसे कहोगे वैसी मिलेगी। नई तो होगी ना? हाँ हाँ, नई ही होगी, जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। एक बार जो शर्ट पहन लेते हो दोबारा नहीं पहनते। तो इसका मतलब कंफर्म समझूं? 100% कंफर्म। ओह आई लव यू मैडम। ओह आई लव यू टू डार्लिंग। साला हराम की औलाद। बबली को बुलाना जरा। जी बबली। वो मैं कह रही थी कि आजम के बेटे का फोन आया था, तो जाना होगा तुम्हें उनकी तरफ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नौ बजे पहुंच जाना। जी ठीक है। घर कैसा लगा? खूबसूरत है। मेरा नहीं है, इनफैक्ट मेरे बाप का है। एक ही बात हुई ना? एक बात तो नहीं है, मगर तुम कहती हो तो एक बात सही। वैसे तुम क्या लेना पसंद करोगी, चाय कॉफी या फिर कुछ और? कुछ और अच्छा है। आई लाइक दैट, कुछ और तो हमेशा ही अच्छा होता है। ब्लैक लेबल या जो तुम्हें पसंद हो। नहीं, आज पसंद तो तुम्हारी चलेगी। ब्लैक लेबल। वैसे उठा तो चुके थे तुम। आईक्यू तेज है तुम्हारा। अरमानी राइट? राइट। बहुत खूबसूरत लग रही हैं तुम्हें ये बालियां, मगर थोड़ी सी देर के लिए इन्हें उतार देते हैं। आर्टिफिशियल लाइट से मुझे बहुत चिढ़ है। कैंडल्स मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। इतनी छोटी सी चीज में इतनी गर्मी बहुत कम देखने को मिलती है। इस आग में जिंदगी है, इत्मीनान है, सुकून है ना? शायरी भी कर लेते हो? कभी कभी। हाँ
कब से मैडम के साथ हो? महीने से ज्यादा हो गया। मर्द को सेटिस्फाई करना आता है तुम्हें? कहां से सीखा तुमने सब? फिल्मों से। फिल्मों से? ऑफ कोर्स। थोड़ी डिस्टर्ब थी तुम, वरना और भी मजा आता। किसने कहा मैं डिस्टर्ब हूं? पता चल जाता है। मैडम के साथ खुश नहीं हो? खुशी? तुम खुश हो अपनी जिंदगी से? अलग होना चाहती हो मैडम से? अच्छी लगी हो मुझे तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, शादी के अलावा। मिले हुए तो नहीं मैडम से? मिला हुआ हूं मैं मैडम से। शक करियो मुझ पे, बहुत बुरी बात है। मेरा किसी पे यकीन नहीं है, खुद पे भी नहीं। पैसा कमाना चाहती हो? कितना कमा लेती हो तुम? लाख, 2 लाख? मैं दे सकता हूं तुम्हें फ्लैट और गाड़ी भी। क्यों कर रहे हो मुझ पे इतनी मेहरबानी? बताया तो, अच्छी लगी हो तुम। लड़कियां तो और भी बहुत हैं। तुम्हारे जैसी नहीं। मैं चलूं? अच्छी लगी मुझे तुम। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। दो टके की रंडी हो तुम, दो टके की। पैसे कमाना चाहती हो? कितना कमा लेती हो तुम? लाख? मैं दे सकता हूं तुम्हें। आज एक के नीचे तो कल किसी और के नीचे, और चलिए हम मुझसे मुकाबला कर ले। कि सच बोलने वाला मेरे साथ सारी जिंदगी रह सकता है, और झूठ बोलने वाला एक भी नहीं। बबली बात कर रही हूं। हाँ हाँ, पी हुई है मैंने, फिर जुर्म है क्या? बात ये थी, मैंने सोचा तेरा शुक्रिया अदा कर दूं। तू मुझे मैडम से ना मिलवाती तो मैं यहां तक ना पहुंचती। जल्दी में गई थी तो तुझे थैंक्स कहना भूल गई। आज सोचा अच्छा मौका है। नहीं नहीं हूं मैं नशे में, समझ आ रही है मुझे मैं क्या कह रही हूं? बता देना अपनी मैडम को, नवाजिश की मां पैदा हो गई है इस शहर में।
बात दिखाई दी छिनाल ने अपनी। यतीमों की तरह भीख मांगने आई थी मेरे पास अपना मुंह लेकर। उसी वक्त धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती तो अच्छा था। मरेगी, कुत्ते की मौत मरेगी। जानती नहीं अभी इस जंगल के कानून को। जिन भेड़ियों के बिस्तर में सोती है ना, वो ही एक दिन नोच खाएंगे उसे। हड्डियां भी नहीं मिलेंगी उसकी। और तुम लोग भी सुन लो, जरा सी भी बेवकूफी की ना तो उल्टा टांग दूंगी तुम्हें। यहां पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, एयर कंडीशन कमरों में सोती हो, गाड़ियों में घूमती हो, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, अगर कोई उल्टे पुल्टे ख्वाब देखने का सोच भी रही है ना तो भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होगी। और इस पब्लिक को तो मैं देख लूंगी। जानती नहीं अभी मुझे चट्टी की तरह मसल के रख दूंगी उसे मैं। दफा हो जाओ यहां से। आई सी, गेट आउट, गेट आउट। इसकी बैग पर आखिर इतनी हिम्मत इसके अंदर आई कैसे? किसे मिली थी आखिरी दफा? बब्रिक से। बब्रिक? इतना बेवकूफ तो नहीं होना चाहिए उसे। मिला जरा नंबर उसका। किसका? मेरा। सॉरी। नवाजिश बात कर रही हूँ। जी मैडम, खैर खैरियत से याद किया आपने मुझे। ये पूछो कि मुझे जरूरत कैसे पड़ी तुम्हें याद करने की। क्या मतलब? क्या कहा है बबली से तुमने? बबली? कौन बबली? इतनी बुरी याददाश्त तो नहीं हो सकती तुम्हारी। लगता है मूड आपका ठीक नहीं है आज। मूड को दफा कर। कॉल फिलहाल मैंने तुम्हें इसलिए की थी कि जज्बात में आकर फैसला करने का मजा तो बहुत आता है, मगर अंजाम बहुत बदमजा होता है। धमकियां? अरे ना करें मैडम, ना करें। आपके मुंह से धमकियां अच्छी नहीं लगती। धमकी ये है भी नहीं, ये तो मेरा प्यार है। गॉड ब्लेस यू। क्या कह रही थी? फिलहाल तो सिर्फ तड़प रही है। अच्छा। अब तुम्हारा क्या इरादा है? पैसा।
कुछ लड़कियां ढूंढनी है और पैसा कमाना है। और जो तुम चाहो। तुम जानती हो तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग औरों से अलग है। जानती हूं। तुम्हारे जिस्म की एक खुशबू है अलग होने नहीं देती। आपके लिए सिर्फ 3 लाख। क्यों ऐसे क्या देख रहे हो? ज्यादा है क्या? अरे यार, औरत तो ऐसी चीज है कि जिसके लिए इंसान अपनी जायदाद तक हार जाता, और तुम 3 लाख को रो रहे हो। ओके ओके, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, इसकी मान लेते हैं बस 2.5 लाख। बस बस, अब और बात नहीं करेंगे। आप क्या परेशानी है? अरे भाई, मतलब वो जीती जागती लड़की है, कोई चाबी का खिलौना नहीं। इंसान की कदर करना सीखो यार। तो डन, ये हुई ना बात। कैसा लगा? सीखो सीखो, अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो मुझसे कुछ सीखो। डील करने का भी एक तरीका होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ओह माय गॉड, 6 बज गए। ओ यार, कितनी मरतबा समझाया तुम्हें कि शाम 6 बजे के बाद मुझे रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। कोल्ड ड्रिंक ला दिया करो मुझे, अपने जिगर को ठंडा रख सकूंगा तो आगे कुछ काम करूंगा ना। है हा? सर, बाहर कोई लड़की आई है, वो मिलना चाहती है आपसे। देखा, इसे कहते हैं बिजनेस। मैं नहीं जाता किसी के पीछे, लोग आते हैं मेरे पीछे दुम हिलाते हुए। बुला बुला। कुर्बान ही हो? ले लो, सादा बबल है, सेक्सी नहीं है। वैसे सेक्सी च्युइंगम अभी तक इजाद भी नहीं हुई। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? लड़कियां चाहिए 3। ठीक है, हर लड़की का 1 लाख रुपए एडवांस लूंगा।
गुड इवनिंग मैडम। क्या हुआ? कुर्बान के पास गई थी, तीन लड़कियां ले गई वहां से। ये तो वाकई होश में नहीं है, पब्लिक ने उसका दिमाग खराब कर दिया है और वो कुतिया भी उसी के जूते चाट रही होगी। कर ले अपनी मर्जी, भुगतेगी भी यही। और ये कुर्बान, मिला तो जरा इसको, बड़ा खैर ख्वाह बना फिरता है सबका। जी मैडम। चाची दी ग्रेट, क्या कहने हैं आपके, हम गरीबों को कैसे। बकवास बंद करो, ये क्या तुम हर एरे गरे को चीजें बेचते रहते हो। एरे गरे क्या मतलब? ये तीन लड़कियां किसको दिए तुमने कल? ओहो छोड़ो चाची, कुर्बान तो सबका यार है, अब किसी को इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। और फिर सब पैसे के गुलाम हैं। तो मतलब ये है कि पैसे के लिए तुम कुछ भी करोगे। ओहो चाची बुरी बात है, जानती तो है आप इस काम को, पैसे लेने हैं चीज देनी है, इसमें बुराई क्या है। तो पैसों के लिए कल अपनी माँ को भी बेचेगा क्या? ठंड रखो चाची, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल को यही रान जब तेरी माँ बन जाएगी तो रोता हुआ तू ना ही मेरे पास। ओहो यार वो जगह पीछे रह गई यार। ओहो तुम भी साई हो यार। अच्छा बताओ क्या इरादे हैं? पैसा और क्या? बड़ी कुत्ती चीज है ना? बड़ी जरूरी चीज है। अच्छा ये मैडम के साथ क्या मसला है तुम्हारा? काम करती थी उसके साथ, फिर छोड़ दिया। अब मैं मैडम बन गई हूँ। इतना आसान नहीं है मैडम बनना। इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा पुलिस का क्या किया? तुम हो ना। ओके लेकिन कमीशन होगा मेरा? कमीशन दूंगी। काम कियो, दिखाना क्या है मुझे तुम्हें? ओ ये दिखाना है, ये देखो।
मेरी सतरंगी आप अच्छा नहीं लगता हर कोई हंसता हुआ। मैं आपको ही याद कर रहा था और आप मगर खुश तो तुम किसी और वजह से लग रहे हो। नहीं मैडम, मैं तो हर वक्त खुश रहता हूँ, जॉली पर्सनैलिटी हूँ। ओ मिस्टर जॉली, समझा ले अपनी स्पंदरिया को कि बंद कमरों में उतरती हुई इज्जत शायद किसी को नजर ना आए, मगर जब मैं अपनी जगह से हिली ना तो फिर भरे बाजार में तुम्हें नंगी दौड़ती हुई नजर आएगी। मैडम, ठीक कहते हैं लोग, बेवकूफों के सर पर सींग नहीं होते। एक लड़की के जाने का इतना गम मना रही हो? गम तो मैंने अपनी माँ के मरने का कभी नहीं मनाया। तू क्या चीज है छिनार? ये माँ का लफ्ज आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। दलालों और ताइयों की गोद में बड़ी हुई हो तुम। दलाल होगा तेरा बाप। जानती नहीं तू अभी मुझे मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाल के फेंक दूंगी तुझे। बोर मत करो मैडम, अच्छी भली महफिल खराब कर दी। कितने अच्छे अच्छे लोग आए हुए, क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। मुझे ना तेरी परवाह है ना किसी और की। अपना ये धंधा लपेटो और दफा हो जाओ यहाँ से। ये मेरा इलाका है और मेरे होते हुए यहाँ कोई नहीं आ सकता। आ सकता है मैडम जी, कोई भी आ सकता है। तेरा वक्त अब खत्म, मेरा शुरू। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। इन 2 दिनों में अगर मैंने तुम्हारी खटिया न खड़ी कर दी तो मेरा नाम भी बेगम नवाजिश नहीं। हेलो मैडम, नाम सोच के रखना। दूसरा, यार तूने बहुत बुरा किया मैडम के साथ। बुरा किया? वो तो इस काबिल भी नहीं है कि कोई उससे मिले भी। अच्छा छोड़ यार, तू बता कैसे चक्कर लगा। तू जानती तो है जाहिद को, उसने कहीं काम जाना था तो मैंने कहा मुझे तेरे पास ड्रॉप कर दे। क्या काम? कोई शॉपिंग करनी होगी। शॉपिंग? शादी की अंगूठी खरीदने आया है क्या? नहीं भाई, अभी शादी वादी का कोई चक्कर नहीं, हम आजाद ही अच्छे। वैसे बुराई भी कोई नहीं है शादी में, तेरे बारे में जानता तो है सब कुछ वो। यकीनन उसे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कुछ कहता भी नहीं है। क्या कहेगा कि मुझसे शादी कर लो? उसने बाप से जूतियां खानी है क्या? बिनीश, प्यार करती हो उससे? अभी तक तो नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा
तो हो भी जाएगा। ओहो ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। टेंशन ना ले, तेरे लिए भी कोई ढूंढ लूंगी ऐसा ही। खुद को तो ढूंढ लो पहले, मेरे पास आ जा। छोड़ दे मैडम को, मुझे जरूर। नहीं है यार तू, ओके यार, जाहिर नीचे आ गया, मैं एक घंटे तक आती हूँ। वैसे 8 बजे जाना है तूने कहीं? क्या मतलब? कस्टमर के पास जाना है, और क्या मतलब? इतनी जल्दी? तेरी किस्मत। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अरे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अरे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। मेरे ख्याल से पहुँच गई है। रंगीन तबीयत के लगते हैं आप मुझे। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना तो गुजर गया है ना, बंदे को आगे जाना चाहिए। ड्रिंक करती हैं आप? अगर मैं बोलूं नहीं तो? तो मैं समझूंगा कि झूठ बोल रही हैं आप। गिटार बजा लेते हैं आप? कॉलेज के जमाने से मुसलसल बजाता आ रहा हूँ। अगर मैं बोलूं कि आप झूठ बोल रहे हैं तो? बुरा लगता है ना? बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है ये। वो मेरी ड्रिंक गिर गई, मुझे थोड़ा सरूर में तो आने दीजिए। बिल्कुल एग्जैक्टली।
ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? ये मैं रात को एक्सरसाइज कर रहा था ना जानू। ये बिजली का बिल क्या हुआ? ये मेरा नहीं है। ये मेरा भी नहीं है। Yeah.
यार तूने तो जनाजा ही निकाल दिया उस अंकल का, कितनी कितनी बुरी हालत हुई होगी उसकी बीवी की। बीवी को छोड़, अंकल की क्या हालत होगी वो सोच जरा। ओए ये तो मेरे कस्टमर ज्यादा कर रही है या कम कर रही है, ये बंदा तो मुझे अब कॉल करने वाला नहीं है। मैं जरा बाजार से होके आ रही हूँ, घर की कुछ चीजें लानी है। क्या लेने जा रही है? लिस्ट बना ली। हेलो, बबली आप ही हैं जी? आपको मेरे साथ जरा पुलिस स्टेशन चलना होगा। जी वो मैं चादर उठा लूं। चादर? भाई खोल दरवाजा, इसको अंदर कर। चलो। क्या हुआ बेगम? नवाजिश। ओए कौन नवाजिश? जानता है तू उसको, पैसे नहीं लेता उससे। पैसे और हम? सुन ले भाई क्या कह रही है, पैसे लेते हैं हम। क्या नाम है तेरा? थाना नंबर 1 300,000, थाना नंबर 2 250,000, थाना नंबर 3 400,000, थाना नंबर 4 150,000, थाना नंबर 5 250,000। नहीं लेता क्या? वाह क्या बात है, सब कुछ जुबानी याद है तुझे। किसके कहने पे किया है सब?
नवाजिश के कहने पे। अफसर का ऑर्डर है, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, लूट मारते हैं और तनख्वाह लेते हैं, बिला वजह अपने आप को नहीं थकाते। फोन चाहिए मुझे। फोन नहीं मिलेगा, पाबंदी है यहाँ पे। हाँ और कोई ख्वाहिश हो तो बता दे। छोड़ना तो तुम्हें मुझे वैसे भी है, अभी छोड़ोगे तो कम बेइज्जती होगी। लो जी और सुनो, अब हमें रंडियां बताएंगी कि इज्जत और बेइज्जती क्या होती है। बहुत खूब, क्या ही बात है। हम जो भी करते हैं कपड़े उतार के, तुम्हारी तरह अपने साथ साथ वर्दी को जलील नहीं करते। चुप, मुंह बन रख अपना, थाने में कड़ी है, यहाँ कोई जैसा नहीं हो रहा। बुला ले अपने सारे यारों को सुबह के तुम्हें छोड़ा के ले जाए, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें यहां रखने का। क्या है इसमें? सुबह का नाश्ता, पराठे के छोले। खुद ही खोल के देख ले, तेरे मतलब की चीज है। लड़कियां नहीं जाएंगी। ना कर ना कर ना कर, अब सुबह सुबह ना कर। मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं और तू गुस्सा कर रहा है। मैं बड़े प्यार से लेके आया था तेरे लिए ब्रीफकेस, लेकिन तूने खोल के देखा ही नहीं। चल भाई, हमारी किस्मत। क्या है इसमें? दस दस के नोट नहीं है इसमें, पुरानी दोस्ती है, समझते हैं एक दूसरे को। तुम लोग जरा बाहर जाओ। दस लाख से कम ज्यादा है। मिठास है लहजों में इनके, प्यास है लबों पे इनके, मिठास है लहजों में इनके, प्यास है। है अदाएं यहाँ बिक रही, यहाँ बिक रहा एहसास है। बस पैसा इनका है खुदा और दौलत इनकी यार है। भी इनका
से झूठ ही अपनी वफाओं से। लूटते अदाओं से झूठ ही अपनी वफाओं से। ना खौफ इनके दिल में है न डरे किसी सजाओं से। है ठिकाना इनका लग रहा दोजख से भी कहीं पार है। मान जाएगी वो, आ जाएगी एक काल पे। एक बिजनेस डील ही तो है, क्यों नहीं आएगी? कॉल तुम करोगे उसे। अगर इनकार कर दिया तो 10 लाख मिल रहे हैं उसे एक रात के। इनकार तो उसका बाप भी नहीं कर सकता। मगर इन सब चीजों से पहले जरूरी है कि उसके साथ मेरा पैचअप हो जाए। जल्दी पहुंच जाना, 11 बजे कॉल करूंगी, फौरन निकल आना। जी मैडम। हेलो। कुर्बान अर्ज कर रहा हूं बबली जी। नाम आ जाता है फोन पर। बोलो, कैसे याद किया? याद तो नहीं किया जाता है, जो भूल जाते हैं। और आप तो शेर व शायरी बाद में कर लेना, काम की बात करो। ओहो, मूड खराब लगता है बबली जी का। खैर कोई बात नहीं, मैं तो आपके लिए सुलह का पैगाम लेके आया। सुलह? क्या मतलब? मतलब ये कि बेगम नवाजिश ने सुलह का हाथ बढ़ाया है। वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसे ही हो जाए। इस जंग को जदल से क्या फायदा? बात क्या है? बात यही है जो मैंने आपको बता दी, और क्या। कहाँ तुम इस वक्त? अपने गरीब खाने पे। तो ये बात है, ये बैठे बिठाए मैडम को हुआ क्या है? खुद कॉल क्यों नहीं की मुझे? वो इज्जत बेइज्जती के चक्कर में पड़ गई होगी। और वैसे भी यार, ये लड़ाई झगड़े पॉलिटिशियंस में अच्छे लगते हैं, और हम ठहरे शरीफ लोग। हम लोग तो जितना मिलजुल कर रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। वैसे बबली, तुम्हारे लिए एक चांस है, ऑफर अच्छी है। अगर तुम मैडम के साथ सुलह कर लो तो देखो, तुम मैडम की नौकरानी बनकर नहीं बल्कि मैडम की पार्टनर बनकर रहोगी। अब तुम कुछ भी कह लो, मैडम के गाहक अमीर और ऊंचे लोग हैं, पैसे की कमी नहीं होगी तुम्हें। जितना पैसा तुम अकेला रह के कमा लेती हो उतना तो उनके साथ मिलकर भी कमा लोगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं वापिस जाना नहीं चाहती। ओ यार, बात सारी पैसे की है। अब देखो ना, जो काम हम करते हैं उसमें हमारी मर्जी थोड़ी शामिल होती है। पैसे के लिए करते हैं, बात खत्म। अच्छा सोचती हूँ। और हाँ, मैडम से कहना तुम्हारी बात नहीं हुई इस बारे में मेरे साथ। सोचने का मतलब तो हाँ ही है, मेरी डिक्शनरी में। हाँ कर दो यार, कोई बुराई नहीं है इसमें। इज्जत बेस्ती को दफा करो यार, तुम प्रूफ कर चुकी हो कि तुम मैडम से कम नहीं हो। अब और क्या चाहिए तुम्हें? दिमाग मत खराब करो अपना इतना सोच सोच के। मैं फोन कर रही हूं तुम्हारी तरफ से कुर्बान को कि हमें ऑफर मंजूर है।
मुबारक हो मैडम, ऑफर कबूल कर ली बबली ने। अब मिठाई कब खिला रही हो? मिठाई खाने में अभी थोड़ा वक्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो जी, बात पक्की हो गई। दूसरी शादी कर ली क्या? वो किसी ने सच कहा है सर कि अगर ये पुलिस वाले चाहें तो पहली ही बात में बात की तय तक पहुंच जाते हैं। लेकिन खैर, फिलहाल तो मैं मैडम और बबली की सुलह की खुशखबरी लेके आया हूँ। और ये सुलह भी मैंने ही कराई है सर। मैंने कहा इन लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है। अब देखो ना, मर्द मर्द के साथ लड़े तो कुछ बात समझ में आती है, अब औरत औरत के साथ लड़े तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती सर। खैर, आप लीजिए मिठाई, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। आ जाओ, आओ आओ, तुम लोग भी आओ। आओ आओ भाई आओ, लो लो यार, शर्माते नहीं है, लो तुम भी लो, लो लो, लो। खाओ खाओ, ले लो। वो मोटा गुलाब जामुन उठा लिया। इसका मतलब ये है कि उन दोनों का पैचअप हो गया है? हाँ हाँ सर, ये तो होना ही था। ये जो मैडम है ना, ये जुबान की तरह सख्त है, दिल की बहुत नरम है। यस, बात पहुंच गई सब तक? जी मैम। पुलिस? उनको तो मिठाई भी पहुंचा दी है। हर एक बंदे के जहन से ये बात निकाल दो कि बबली से मेरी दुश्मनी है या थी। सर, बबली 6 महीने हो गए काम करते हुए, 3 महीने बेगम नवादिश के साथ काम किया, फिर अलहदा हो गई। सुने अब दोबारा ज्वाइन कर लिया है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ट्रेजिक स्टोरी लगती है। मुलाकात तो जरूरी, वो बबली के लिए कॉल आया था। बबली? किसी को चाहिए वो रात के लिए। बबली तो अब 10 लाख रुपया दे रहा वो एक रात का। पूछ लो अगर करना चाहे तो। हाँ बोलो अर्शद। आपके लिए कॉल है, आज रात 10 बजे की। होटल फाइन, रूम नंबर 203। मगर मैं तो अब 10 लाख दे रहा है रात के। क्यों? आशिक ही होगा। बताती हूँ, तेरा कोई मुझे एक रात की। क्या बात है यार, तू तो हीरोइन ही बन गई। क्या सोच रही है यार? कुछ नहीं। आ जाऊंगी।
तुम अगर घर जाना चाहो तो चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम कर लूंगी। जी ठीक है मैडम। अल्लाह हाफिज मैडम। से निवाला छीन के ले जा रही है, मगर बेचारी अंजाम का नहीं सोच सकती है। दिन दिन गिने जा चुके उसके। क्या मतलब मैडम? थारी महफिलें बेइज्जती की थी उसने मेरी, हंस रहे थे लोग मुझ पर, वही लोग जो अपनी अय्याशी की खातिर मेरे तन बेचारते थे, फंसा कर ले गए उनको अपने साथ, हराना चाहती है मुझे, मगर मैं हारने वाले में से नहीं हूं। जानता हूं मैं आपको मैडम। बड़े लोगों की बड़ी बातें। इस किताब में लिखा है कि हर बड़े फैसले से पहले हर मसले को 15 मुख्तलिफ एंगल से देखना चाहिए। ये लो। जज्बाती फैसले का भी अपना ही मजा है। मान जाएगी वो? एक बिजनेस डील ही तो है, कॉल तुम करोगे उसे। 10 लाख मिल रहे हैं उसे एक रात के, मगर इन सब चीजों से पहले जरूरी है कि उसके साथ मेरा पैचअप हो जाए। क्या मतलब? बबली के मरने के बाद किसी का भी शक मुझ पर नहीं आना चाहिए। ओ भाई मोड़ ले, मोबाइल रह गया वहीं पे। चाहिए वो रात के लिए। पब्लिक तो अब 10 लाख रुपए दे रहा है वो एक रात का।
हेलो, पुलिस स्टेशन। अच्छा राशिद, कहाँ हो तुम? सर मोन मार्केट में। आमिर तुम कहाँ हो? सर शाहदरे में। तेरी खरीदार मैं हूं और वो 10 लाख भी तुझे मैंने देने हैं। बहुत शौक था ना तुझे पैसा कमाने का, ऊपर जाने का। पहुंचाती हूं तुझे अभी ऊपर। क्या कह रही हो तुम? होश में हो तुम? होश? होश तो तू खो बैठी थी दौलत के नशे में। कीचड़ में पड़ी हुई थी तुम जब मेरे पास आई थी। नहला धुला के चमका के रख दिया मैंने तुम्हें, दीवाना बना दिया लोगों को तुम्हारा, और उसके बदले क्या दिया तुमने मुझे? हाँ, छिनाल तमाशा बना कर रख दिया महफिल मेरा। हाँ, जो मिल रहा था काफी नहीं था तुम्हारे लिए? कच्चे मकान से निकलकर महल के ख्वाब देख रही थी तुम। नवाजिश नाम है मेरा, नवाजिश, और मुझसे ऊपर कोई नहीं, कोई भी नहीं। और तुम चली थी मुझसे मुकाबला करने। हाँ, गलत सोच रही थी, गलत सोच रही थी तुम। अपनी मौत को तूने खुद आवाज दी है, खुद। नहीं, मार रही थी, जान से मार रही थी मुझे, गोली मार रही थी मुझे। ओके, 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 ओके। तुमने इसे नहीं मारा, ये खुद मरी है। तुमने इसे नहीं मारा, ये खुद मरी है। ओके, मुझे मुझे सजा तो नहीं मिलेगी ना? मैंने मैंने नहीं मारा इसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो देखो, ये 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 पिस्तौल मुझे दे दो। दे दो। मैंने मार दिया इसे, मैंने गोली चला दी। ये मेरी गोली से मरी है। देखो देखो, ये 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 पिस्तौल तुम्हारा नहीं है, ये अपनी गोली से मरी है। ओके, तुमने नहीं मारा इसे। बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जेल नहीं जाना चाहती।
बचा सकते हो ना मुझे? क्यों आई तुम इस काम में? क्या करती, कहाँ जाती, साइमा का क्या करती? गरीबी की जिंदगी नहीं देना चाहती थी उसे। माँ के मरने के बाद जैसे कुछ भी ना बचा हो, खत्म हो गया था सब कुछ, दिमाग जैसे बंद हो गया था, और अब ये? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती जेल, मैं नहीं मरना चाहती, मैं और जीना चाहती हूँ, साइमा के लिए, अपने लिए। तुम बचा सकते हो? मैं छोड़ दूंगी सब कुछ, ये काम, ये शहर, ये बाजार। नवाजिश को तुमने नहीं, मैंने मारा। तुमसे जो भी पूछे कहना कि फायर मैंने किया था, समझ गई? मगर एक शर्त है, तुमने जो कहा तुम वैसा करोगी, एक नई जिंदगी शुरू करोगी, इज्जत की जिंदगी। Please hold on, get back. आप पीछे रहे, प्लीज पीछे रहे, होल्ड ऑन, लिसन टू मी, प्लीज होल्ड ऑन, लिसन टू मी। ये मर्डर मैंने किया। सर आप कुछ और लेना पसंद करेंगे? हमारी बहुत सी स्पेशल डिशेस हैं, शाशिक मंचूरियन, बारबेक्यू।